वक्फ संशोधन बिल के लिए सबसे पहले मैं देश के सरकार को, देश के अल्पसंख्यक मंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि एक ऐतिहासिक बिल वक्फ बोर्ड में लेकर के वो आए हैं। देखिए, ये बिल आज के समय के लिए बहुत ही आवश्यक था। जिस प्रकार से यूपीए की सरकार ने तुष्टिकरण की नीति के तहत वक्फ बोर्ड के अंदर अमेंडमेंट किया था, आज ज़रूरत है कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड के अंदर जो लूट मची हुई थी, जो भ्रष्टाचार मचा हुआ था, उसको समाप्त किया जाए। तो ये बिल आने से निश्चित तौर पर वो लूटपाट, वो भ्रष्टाचार समाप्त होगा। लेकिन विपक्ष के लोग हैं इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ये वही बदलाव लाया गया है जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था। जो पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य और उसके चेयरमैन एम रहमान साहब ने जो सुझाव दिया था, उसी के आधार पर यह बदलाव किया गया है। देखिए, अगर 163 करोड़ से 12,000 करोड़ की आमदनी वक्फ की हो जाती है और इस बिल में बदलाव के माध्यम से ये आमदनी बढ़ जाती है, तो इसमें विपक्ष को आखिर विरोध क्यों होना चाहिए? अगर वक्फ बोर्ड, जिसके लिए बनाया गया है, गरीब, शोषित, वंचित मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, यतीम के बच्चों के लिए, अगर उनको उनका हक इस अमेंडमेंट के माध्यम से दिया जाता है, तो मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि आपको इसमें एतराज क्यों है, आपको इसमें आपत्ति क्यों है? देखिए, इस देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी की अकूट संपत्तियां थीं। इसको कॉरपोरेट को बेचा गया, इसको मुस्लिम के दलालों ने अपने फायदे के लिए इसका दुरुपयोग किया, और जो मुस्तहिक थे, जो यतीम थे, जिनको इनका हक पहुंचना चाहिए था, वहां उनका उनको ये हक नहीं पहुंचा है। और इस बिल के माध्यम से उन महिलाओं को, उन गरीब को, उन यतीम को, उन बेवाओं को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के माध्यम से उनको उनका हक दिया जाएगा। और देखिए, ये जो आज विरोध दिख रहा है, ये कोई डायरेक्ट इसको अमेंडमेंट नहीं किया गया है। 2015 से लगातार सरकार जो है इस पे चर्चाएं कर रही थी, लखनऊ से लेके जम्मू कश्मीर तक, श्रीनगर तक इस पे बातचीत हो रही थी, और लगातार मुस्लिम कौम के अलग अलग जो फिरका है, जो शिया कम्युनिटी है, बोहरा कम्युनिटी है, अफगानिया कम्युनिटी है, और भी जो दीगर कम्युनिटी है, उन्होंने लगातार इसमें शिकायत की थी। उन सभी को देखते हुए सरकार ने आज इस बिल को लाया है। देखिए, वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन एक पारदर्शी, जवाबदेही और समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के साथ एक प्रभावी कानून बनाने की ओर बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। इस संशोधन के तहत मुसलमान समाज के सभी वर्गों की भागीदारी का इंतजाम किया गया है। 21वीं सदी की जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, द आर ऑफ द नीड, महिलाओं के इंक्लूजन की बात की गई है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष को क्या समस्या है, क्या वो महिला विरोधी हैं? और दूसरी बात ये कि जो वक्त की जो संपत्तियां हैं उनका दुरुपयोग ना हो, वक्त की संपत्तियों का जो निष्पक्ष तरीके से जो है, जो वक्त की प्रॉपर्टीज हैं उनको आइडेंटिफाई की जाए, कोई विवाद हो तो कानूनी निस्तारण उसका निकाला जाए, तो इसमें क्या समस्याएं हैं? बल्कि मैं तो समझती हूँ कि इस संशोधन से वक्फ बोर्ड और जिम्मेदार और जवाबदेही बनेगा, और मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार होने की संभावना कुछ कम होगी। जो फिलहाल जो स्थिति है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो है, पिछले 2 साल से जो बेचारी विधवा महिलाएं हैं, बेवाएं हैं, बच्चे हैं, अनाथ बच्चे, यतीम बच्चे हैं, उनको जो वजीफा दिया जाता है वो कहाँ मिला है उन्हें? मस्जिदों के जो इमाम हैं उनको कहाँ तनख्वाह वगैरह दी जा रही? तो कहाँ व्यवस्था से काम चल रहा है? तो इसीलिए ये कानून ज़रूरी है। ये सरकार का जो है, जो खासकर जो मुसलमान समुदाय है उनको और जो वीकर सेक्शन है, ताकि उनको जो है उनको बेनिफिट्स मिले, कि वक्त का जो 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 एक्चुअल पर्पस है वो सही तरीके से पूरा किया जा सके।